लीनियर क्यू के लिमिटेशंस क्या है? लीनियर क्यू बोलो या खाली क्यू बोलिए, सिर्फ क्यू बोलिए या ऑर्डिनरी क्यू बोलिए, यही क्यू होगा। दूसरे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को पूछना है तो डायरेक्ट पूछेगा सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू बोल के, या लीनियर क्यू बोल के पूछेगा इसको, या जस्ट क्यू या ऑर्डिनरी क्यू, इसके लिमिटेशन क्या है? देखिए इसके अंदर चार एलिमेंट है। सबसे पहले इंसर्ट हुआ एलिमेंट 15 है, उसका इंडेक्स हम फ्रेंड नाम के एक वेरिएबल में रखे हैं। सबसे रिसेंटली लेटेस्ट एलिमेंट ये है 56, उसका इंडेक्स हम एक वेरिएबल में रखे हैं। तो ये बाकी के चार लोकेशन क्या हुआ, बाकी के चार लोकेशन में एलिमेंट डिलीट हो गया, समझिए एलिमेंट इसके डिलीट हो गए हैं। तो इसमें क्या है, तो जब लास्ट लोकेशन रेयर एंड है, इधर जहां जिधर से इंसर्ट हो रहा है उसे रेयर एंड बोलो, जिधर से डिलीट हो रहा है वो फ्रंट एंड बोलते हैं। रेयर एंड तरफ तो लास्ट लोकेशन रेयर एंड के तरफ, तो रेयर एलिमेंट जो है जो लास्ट में इंसर्ट हुआ एलिमेंट वो लास्ट लोकेशन को ऑक्यूपाई कर दिया, तो अब नेक्स्ट इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर इधर लोकेशन होने के बावजूद भी इधर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेयर का वैल्यू कितना है, 7, 7, मतलब लास्ट लोकेशन का इंडेक्स है वो, तो उसके अंदर एलिमेंट आ गया। इसके अंदर एलिमेंट आ जाने का मतलब कि आप इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, लोकेशन होने के बावजूद भी इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसका प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सर्कुलर क्यू यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इफ द लास्ट पोजिशन ऑफ द क्यू इज ऑक्यूपाइड देन इट इज नॉट पॉसिबल टू एनक्यू एनी मोर एलिमेंट, एनक्यू मतलब इंसर्ट इन द क्यू इवन दो सम पोजिशंस आर वेकेंट टूवर्ड्स द फ्रंट पोजिशन ऑफ द क्यू। फॉर एग्जाम्पल इधर तरफ फ्रंट तरफ हम लोग लोकेशन खाली होने के बावजूद भी हम इंसर्ट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, यही इसका प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू द रेयर पोजीशन क्यू इज फुल बट 5 पोजीशन आर स्टिल ब्लैंक, 4 पोजीशन 1 2 3 4 पोजीशन ब्लैंक है, फिर भी हमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू यूज करके हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।